रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंद्रावती अपनी 5 पोतियों के साथ रहती थी। चंद्रावती के बहू बेटे काफी समय पहले ही गुजर गए थे और अब चंद्रावती ने ही अपनी 5 पोतियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। चंद्रावती दूसरों के घरों में काम किया करती और पैसे इकट्ठा कर अपनी पोतियों का भरण पोषण करती थी। उसकी 5 पोतियां काफी होनहार थी और इसी का फायदा उसकी दादी चंद्रावती उठाना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी प्यारी पोतियों उठ जाओ, बच्चों सुबह हो गई है। नहीं दादी सोने दो ना। बेटा तुम लोग भूल गए हो क्या, आज तुम लोगों को काम ढूंढना है। क्या दादी हम नहीं उठ रहे हैं, आपको अपने काम पर जाना है तो जाओ, लेकिन ये काम वाम हमसे नहीं हो पाएगा। चंद्रावती कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद दादी आवाज लगाते हुए अपनी पोतियों को कहती है, बच्चों मैंने खाना बना दिया है और तुम सब उठोगे तो समय से खा लेना। ठीक है दादी। चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के घर चली जाती है और अपनी मालकिन के घर में काम करने लगती है। चंद्रावती की मालकिन चंद्रावती से बोलती है, अरे काकी आज आप लेट कैसे हो गई? अरे मालकिन अब क्या कहूँ, आप तो जानती ही हैं कि मेरी 5 पोतियाँ हैं, उनको उठाने में समय लगता है और उनके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है, और आज वो उठी नहीं रही थी इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। काकी आप मुझसे बड़ी हैं और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे मालकिन मत कहिए। अब शुरू से यही बोलती आई हूँ तो अब आपका नाम लिया नहीं जाता ना मालकिन जी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर अब चंद्रावती की मालकिन वहाँ से चली जाती है और अब चंद्रावती भी घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी नज़र अपनी मालकिन की लिपस्टिक पर जाती है और वो उन लिपस्टिक को अपने हाथों में लिए खुद से बोलती है, अरे वाह ये लिपस्टिक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और अपनी पोतियों को दे दूं, आखिर वो भी तो लड़कियां ही हैं, उनका भी तो मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसको छुपा कर रख लेती हूँ। इस तरह वो उस लिपस्टिक को छुपा कर रख लेती है और कुछ ही समय बाद वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसको ख्याल आता है कि वो खुद से कहती है, नहीं नहीं मेरी मालकिन को मुझ पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है और उनके इस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। इतना सोचकर चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के कमरे में चली जाती है और उनके सामान को वापस रख देती है और उस सामान को निहारते हुए खुद से बोलती है, जब मालकिन आएंगी तब मैं उनसे ही मांग लूंगी। इस तरह अब वो अपनी मालकिन का सामान रख देती है और शाम को चंद्रावती की मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आती है। दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी चंद्रावती वहाँ आती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन खाना बन गया है, आप कहो तो मैं क्या खाना लगा दूँ। हाँ हाँ ला दो, और काकी आज मेरी दोस्त भी यही खाना खाएगी इसलिए आप इसके लिए भी खाना ले आना। जी मालकिन। इस तरह अब चंद्रावती दोनों के लिए खाना ले आती है। दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वो टीवी पर देखती है जो न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को 2,00,000 रुपए देने का वादा कर रही है सरकार। ये न्यूज़ देख चंद्रावती मन में कहती है, हाय 2,00,000 रुपए, लेकिन मेरी पोतियां तो बड़ी हैं, ऐसा करती हूँ उनकी उम्र छोटी करवा कर फार्म भरवा दूंगी। इस तरह अब वो वहाँ से चली जाती है तो वहीं किचन में जाकर चंद्रावती देखती है कि खाना बहुत बच गया है। ये देख एक बार फिर चंद्रावती के मन में लालच आ जाता है और वो खुद से कहती है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊं। वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती है और अपनी मालकिन को देख चंद्रावती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन ये खाना बच गया है, इस खाने का मैं क्या करूं? करना क्या है, कुत्तों को डाल दो खाना। वो मालकिन जी मैं कह रही थी कि ये खाना काफी सही है और इसीलिए क्या मैं इस खाने को अपने घर अपनी पोतियों के लिए ले जाऊं क्या? अरे हाँ हाँ, वैसे भी कुत्तों को देने से ये होता है कि वो कभी कभी ही खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते,
बर्बाद होने से ज्यादा अच्छा है कि यह खाना किसी के पेट में चला जाए। उसकी बात सुनकर चंद्रावती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी पोतियों के लिए वो खाना पैक कर लेती है, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वो अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आपसे मुझे एक चीज और चाहिए थी। हाँ हाँ कहो ना। मालकिन मुझे आपकी वो जो गुलाबी वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही थी, अगर आप मुझे मेरी पोती के लिए दे देती तो। अरे अरे कोई बात नहीं, आपको जो भी चाहिए आप ले लो। इस तरह अब वो अपनी मालकिन की लिपस्टिक ले लेती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मालकिन की दोस्त उससे बोलती है, यार कैसी नौकरानी पाल रखी है, ये तो एक नंबर की लालची है। तुझे पता है ये बहुत अच्छी है, मानती हूँ थोड़ी सी लालची है ये, लेकिन पिछले 10 साल से मेरे पास काम कर रही है और इनकी नीयत मेरे घर को लेकर कभी खराब नहीं हुई है। अरे वाह बड़ी ईमानदार है फिर तो ये, लेकिन ये इतनी बूढ़ी होने के बाद भी काम क्यों कर रही है। क्या बताऊं यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे हुए काफी समय हो चुका है और इन काकी ने अपनी पोतियों की देखभाल अकेली ही की है और कर भी रही है, और इनकी एक या दो नहीं बल्कि 5 पोतियां हैं। जब से काकी के बेटे और बहू गए हैं, काकी ने अपनी पोतियों को कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये आज भी काम करती हैं। इनकी पोतियां कितनी बड़ी हैं? सारी बड़ी हैं। क्यों ना हम इनकी 5 पोतियों को अपने ऑफिस में काम दिलवा दें? वेल आइडिया, बुरा नहीं है यार। इस तरह अब दोनों दोस्त आपस में बात करके सो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब चंद्रावती अपने घर जाती है तो वो अपनी पोतियों को खाना निकाल कर देती है और उस खाने को देख पांचों एक साथ बोलती हैं, क्या दादी अब किसी से आई है खाना? बच्चों मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाई हूँ। जब से माँ बाबा गए हैं तब से आपका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है दादी। बच्चों मेरा लालच नहीं है, मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। दादी लालची बनके आप हमारे बारे में नहीं सोच सकती हैं। आपको पता भी है अगर आपका लालच ऐसे ही बढ़ता रहा तो लोग हमको क्या कहेंगे। वो देखो लालची दादी की 5 पोतियां जा रही है, दादी क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसे? चंद्रावती कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ खाना रख कर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन दादी बहुत बीमार हो जाती है और बीमारी की हालत में वो अपनी पोतियों से कहती है, बच्चों अब मैं बहुत ही बूढ़ी हो गई हूँ, साथ ही बीमार भी हो गई हूँ, तुम बाहर क्यों नहीं जाती काम करने? अगर तुम भी बाहर जाओगी तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। दादी हमें नौकरी कौन देगा, हमारी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। और वैसे भी दादी आप बीमार हैं, लेकिन बीमारी की हालत में भी आपको लालचीपन नहीं जा रहा है। मेरे बच्चों अभी मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो, और मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि तुम अब बाहर नौकरी कर सकती हो। दादी सही कह रही हैं, अब हमें दादी की मदद करनी चाहिए। क्या यार हमारी लालची दादी के झांसे में तुम भी आ गई? झांसे में आ गई मतलब? अरे शीतल तुम जानती भी हो हमारी दादी लालच क्यों करती हैं? वो इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि हम खुश रहें, हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए शर्म आ रही है, अगर तुम समझदार होते तो तुम दादी को इस एज में कहीं काम करने जाने देते ही नहीं। अपनी बहन की बातें सुनकर सभी की नज़र शर्म से झुक जाती है और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सब एक साथ अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, दादी हमें माफ कर दो। हाँ दादी हमने आपको कभी समझा ही नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बाहर जाकर नौकरी ढूंढेंगे, बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उनकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको माफ कर देती है। तो वहीं उनकी बातें सुनते हुए चंद्रावती की मालकिन और उसकी दोस्त वहां आती है और उनको माफी मांगते हुए देख कहती है, पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारी दादी लालची है, लेकिन जब मैंने इन्हें पास से जाना तब मुझे भी ये अच्छी लगने लगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तुम लोगों को अपनी कंपनी में काम देने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनते ही अब दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए धन्यवाद करती है और इस तरह अब उन पांचों को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और दादी का भी लालच खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।